उत्तराखंड में भारी बारिश कहर बनकर बरसी है, जिससे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में खासा नुकसान देखने को मिला, जिससे कई सड़कें और पुल नदियों में बह गई। 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आई आपदा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार अलर्ट मोड में नहीं थी, आपदा में खासा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। सरकार ने आपदा के समय संवेदनशीलता नहीं दिखाई। विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर 5,000 करोड़ रुपए ने जाती है, चाहे आपका घनसाली वाला इलाका है, टेहरी का इलाका है, उत्तरकाशी का इलाका है, पिथौरागढ़ का इलाका है, बागेश्वर का इलाका है, कपूर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और सरकार समय पर रहते अगर चेत जाती तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और आपदा के प्रति सरकार न संवेदनशील है न संवेदनशील रही है। हमें उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में आपदा के बारे में कुछ न कुछ होगा, जिक्र होगा और कुछ अतिरिक्त धनराशि हमको आपदा से निपटने के लिए मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं उसने भी अपनी आंखें उत्तराखंड के लिए मूंद के रखी हैं। और हम समझते हैं कि आपदा के लिए तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको राहत सामग्री शीघ्र पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और केंद्र सरकार से मांग करती है कम से कम 5,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दैवीय आपदा से नुकसान की भरपाई करने की हम उनसे मांग करते हैं।